युवाओं को रील बनाने का चस्का इस कदर लगा है कि वो ना तो अपनी जान की परवाह कर रहे हैं और ना ही किसी और की। ताजा मामला आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन का सामने आया है, जहां एक युवक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लग्जरी कार दौड़ा रहा है। और गजब तो ये हो गया जब कारनामा करते वक्त किसी भी रेलवे अधिकारी ने उस शख्स को रोकना मुनासिब नहीं समझा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये शख्स ना तो खुद की और ना ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की परवाह किए बगैर अपनी रील के चक्कर में जान को जोखिम में डाल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मामला तब संज्ञान में आया जब इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और जब रेलवे प्रशासन पर सवाल उठा तो प्रशासन ने शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच के आदेश दिए। जानकारी के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही कार के मालिक का नाम सुनील है, जो कि आगरा शहर के रामनगर जगदीशपुरा इलाके का रहने वाला है। मामला सुर्खियों में आने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट से ये रील हटा ली गई है। हालांकि इस मामले में आगरा मंडल की वाणिज्य प्रबंधक प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि ये घटना 8 मार्च की रात 11:30 बजे सुरक्षा चूक के कारण हुई। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये 8 मार्च की रात को 11:30 बजे की घटना है और ये एक सिक्योरिटी लैप्स है। इसको देखते हुए, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हम इस पे बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए हैं, सुनील कुमार, जो जगदीशपुरा आगरा के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 159 और 147 में FIR दर्ज कर दी गई है और जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये शख्स प्लेटफॉर्म पर अपनी कार को कैसे लेकर पहुंचा। क्या किसी रेलवे अधिकारी द्वारा इसको समर्थन हासिल था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।